Hi everyone, so welcome back to channel again, Mystery Vlogs, Mystery Boy Vlogs, I'm so sorry. So guys, Arjun aa raha hai 2 minute mein, maine vlog start kar diya hai aur ye vlog bahut amazing hone wala hai, bahut different hone wala hai because Arjun bahut amazing bikes dikhata hai, unki deal dikhata hai aur kahan se purchase karni hai. But hum ek naye concept pe kaam kar rahe hain wherein koi bhi aam banda ek sports bike le sakta hai jaise maine li hai. So without wasting much of time, Arjun ko call karte hain, then we will talk about my channel aur vlog start karte hain. So guys, what's up everybody of Mystery, and I'm back with another video. Guys, mera intro aana zaruri tha, but aaj ki video hamari shuru kari thi, Inder bhi aane kari thi. To sabse pehle to hello bhai. So guys, oh bhai, so sorry. Hello bhai. Yaar pata kya hota hai, screen pe na nigahein hoti hai hamari, to dhyan wahi rehta hai. Abhi jo main dekh raha hu, main screen pe dekh raha hu, to aapko video pata chal raha hoga, but agar abhi main lens pe dekhunga, screen se baat hat jayegi, to aapko aisa lagega ki main contact kar raha hu aapse. Bhai guys, jo meri aage videos hone wali hai, wo Inder bhai ke sath hone wali hai, kyunki jo hamari kal hai, kal Sunday hai. और संडे को सारे सुपर बाइक्स वाले क्या करते हैं वो आप लोगों को पता ही है, तो हम भी उनके साथ ही जाने वाले हैं. बाकी वहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी वीडियोस में पहले आ रखे हैं, और नई नई सुपर बाइक्स भी उनके पास, तो उसके साथ हमारे पास भैया भी होंगे और हमारी ब्यूटी. एक बार दिखा दो ज़रा थोड़ी टिल्ट करके. CBR 650F. सो गाइस, अभी जैसे अर्जुन और मैं ब्लॉग कर ही रहे हैं, हम कोलैब कर ही रहे हैं. आई जस्ट वांट टू टेल यू माय चैनल नेम. मेरा चैनल का नेम है इंस्पिरेशनल ट्रैवलर्स. अर्जुन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा और वीडियो में भी दिखा देगा. सो गाइस, वहाँ वीडियो चेक करनी है और आपके लिए काफ़ी अमेजिंग और न्यू कॉन्टेंट आने वाला है, नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट. तो गाइस, बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बाइक्स के सारे स्पेक्स. तो पहले गाइस, सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय करो, फिर बाइक के बारे में बात करेंगे. लेट्स गो. संडे का डे आज, हमारी राइड है. बट पहले मैं आपको बताऊंगा जो बाइक हमारे पास है उसकी स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम बाइक को कैसे लेके आए. क्योंकि ऐसे एक बात होती है, सबको एक ड्रीम होता है एक सुबह एक लेने का, एक सुबह एक चलाने का, सुबह एक पे घूमने फिरने का, सुबह एक मज़े करने का. तो मैं इंदर भैया के साथ हूँ आज, जो आज हम CBR 650 लेके आए हैं. CBR 650 के साथ पूरी वीडियो बनाएंगे. तो जो इतने स्टार्टिंग देखी वो कहीं और की है, और जो भी आप एंडिंग देख रहे हो या जो बाकी की वीडियो देख रहे हो कहीं और की है. क्योंकि जो बाकी का वीडियो फुटेज था, वीडियो फाइल था, वो सारा करप्ट हो गया था. ये तो आपके भाई के साथ होता रहता है यार, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, बट होता है मेरे साथ. तो आज मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको, हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ, और क्या इसमें ऐसा डिफरेंट है कि हमें इतनी सस्ते में मिली यार, कैसे हम इसको लेके आए, हमने इसको खरीदा है नहीं खरीदा है. मैंने अपने चैनल पे प्रैंक भी करा था अपने घर के साथ, मतलब इन्होंने सुबह एक ले लिया है, तो उसका भी जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको भी ज़रा चेकआउट जरूर करो. बाकी लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, अब बात करते हैं CBR 650 की एसेसरीज के अंदर. सो गाइस, सामने सूरज देवता उग रहे हैं, टोल नाके के यहाँ खड़े हैं हम. तो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ. तो गाइस, अगर आगे से स्टार्ट करें तो इसके अंदर डबल डिस्क वेरियंट है, डुअल डिस्क है इसके अंदर. और गाइस, ABS कम्स इन स्टैंडर्ड एंटी ब्रेकिंग सिस्टम. तो गाइस, जब आपकी ABS इसलिए होता है कि अगर आपकी बाइक में कोई स्किट विट आती है, मतलब आप कहीं पे भी रेनी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी बाइक स्किट नहीं खाती है. भाई गाइस, आप कलर स्कीम देख सकते हो एक बार बाइक की, रेड ब्लू एंड वाइट की कलर स्कीम है, जो काफ़ी सेक्सी लग रही है बाइक पे. और गाइस, ये बाइक बहुत वेटिंग में है, बाइक मतलब सेकेंड हैंड तो अवेलेबल ही नहीं है. अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ, सो गाइस, यहाँ पर लगे हुए हैं क्रैश गार्ड, जिसको क्रैश बॉबिन्स भी कहते हैं कुछ लोग. और ये गाइस डिपेंड करता है कि अगर आपकी बाइक फॉल करती है तो आपकी बाइक की फेयरिंग को कुछ ना हो, इसलिए क्रैश गार्ड लगे होते हैं. देख सकते हो थोड़े से स्क्रैच्ड भी हैं ये, मतलब एक दो बार फॉल हो चुकी है बाइक. और बाकी गाइस, बाकी इस बाइक में कोई ज़्यादा एसेसरीज नहीं है. ये एक डबल ओवल वाइजर है फॉर द टॉल राइडर्स. अगर आप टॉल राइडर हो तो आपको विंड ब्लास्ट नहीं सहना पड़ेगा ऐसी राइड पर आने के टाइम. बाकी अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो यहाँ पर एक ये ब्रेक ऑयल रिजर्वर कैप लगी हुई है, किसकी, फाइनल टेक की एक ब्रेक रिज्यूवर कैप लगी हुई है. बाकी अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो मेन अट्रैक्शन एक्राफोविक का फुल सिस्टम ओरिजिनल ऑथेंटिक एग्जॉस्ट. इसकी तीन पाइप देखो गाइज, ये जो एंड कैन से लेके मिड पाइप तक पूरी आ रही है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट है गाइज. ये
कि MRA का स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पे, मोटरसाइकिल विंडशील्ड, ये टायर देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी कंडीशन में है ये, अभी भी मतलब थोड़ा बहुत वॉर्न आउट हो चुका है फिर भी है ठीक लाइक है। इस साइड से अगर मैं आपको बाइक दिखाऊं तो बाइक में ज़्यादा कुछ एसेसरीज नहीं है, इधर भी एक क्रैश गार्ड लगा हुआ है जो बोथ द साइड्स होता ही है। ये गाइस गियर के ऊपर ये जो कैप लगी हुई है इसका मेनली काम क्या होता है, जितना मैंने अभी तक सीखा है या मेरे को जितनी वैसे पता है कि जब आप अपना गियर शिफ्ट करते हो फर्स्ट क्लच पकड़ के, तो वो क्लच पकड़ के करना होता है, बाकी अगर आप राइड पे हो कहीं पे भी सीधे रूट पे जा रहे हो तो आपको क्लच पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वन अपने क्लच पकड़ के करा, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद क्लच पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी गाइस आप देख सकते हो बाइक कितने किलोमीटर चली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस बाइक चली है 19,460 किलोमीटर गाइस, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया होगा आपको। गाइस अगर बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी सेक्सी फ्रंट लुक है बाइक का, और ओवरऑल आप देख सकते हो बाइक कितनी प्यारी लग रही है। भाई गाइस अब मेन बात आते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट की तरफ, तो मैं आपको सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट की आवाज़। सो गाइस अब बारी आती है इसकी मेन अट्रैक्शन एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाने को लेके, तो एक बार डैश के ऊपर आते हैं आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ। तो गाइस ये हुआ बाइक का प्यारा सा स्टार्ट, हम करते हैं लेट्स फायर इट अप। आज है संडे तो आज हमारी राइड है CBR 650, अभी हम वहाँ पे सारा शूट करके आए हैं, राइड का हर चीज़ शूट करके आए हैं, बस ये वीडियो फाइल मेरा करप्ट हो गया था इसलिए मैंने इसको आज फिर से भी शूट करा है। इसके अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट कम से कम 40-45 सुपर बाइक्स एक जगह पे खड़ी हुई मिलेगी, मतलब एक हेवन है सुपर बाइक्स का वो फॉर ऑन दैट एरिया। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करना क्योंकि वो गाइस वीडियो नेक्स्ट लेवल है। ये बाइक है इसको हम पूरी राइड करते हुए आए हैं, पीछे वो जो लोग खड़े हैं उन्होंने भी बाइक के साथ फोटो वोटो क्लिक करी, और वहाँ पे मेरे को 2-3 मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे आज, बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके। तो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।